एक लैंप को 2, 3, 4, 5, 100, 10 जितने भी जगह से कंट्रोल करना हो आज ये आप सीख जाओगे। और इसमें कितने स्विच की जरूरत पड़ेगी ये भी आपको पता चल जाएगा और किस टाइप के स्विच की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको टीओ में बहुत बार पूछा गया है। अभी तक जितने भी टीओ के एग्जाम हुए हैं ये प्रश्न जरूर पूछा गया है कि यदि एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना हो तो कितने स्विच लगेंगे और कौन से लगेंगे। ठीक है, तीन जगह से कंट्रोल करना हो तो कितने स्विच और कौन कौन से स्विच लगेंगे। यदि आपसे पूछ लें कि 50 जगह से कंट्रोल करना हो तो कितने स्विच लगेंगे, आइए बताते हैं आपको। देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम भी पहले से बना दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए। इस वायरिंग को हम जीने की वायरिंग, जीने यानी जो सीढ़ियां होती हैं हमारे घर पे उसकी वायरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, या तो इसको जीने की वायरिंग या इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम गोदाम की वायरिंग भी कह सकते हैं क्योंकि गोदाम में अंधेरा रहता है और बड़ी गोदाम रहती है। इस जगह से बीच में एक लैंप लगा होता है जिसको हमें आगे और पीछे यानी दो जगह से कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, कई बार तो तीन जगह से भी पड़ती है। तो चाहे दो जगह से करना हो, चाहे तीन, चाहे चार, पांच, छह, सात, दस, सौ, एक हजार जगह से, कितने भी जगह से कंट्रोल करना हो, मैं बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक कितने स्विच की जरूरत पड़ेगी, कौन से स्विच की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये जो परिपथ है एक सीढ़ी का, सबसे पहले हम एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना बताएं। ठीक है, एक जगह से कंट्रोल कैसे होता, सबसे पहले एक जगह से देखिए कोई भी लैंप होगा, अगर यहां पे मैं एक लैंप लगा दूं, ये लैंप है मान लीजिए, लैंप का साइन है डायरेक्ट न्यूट्रल, तो इसको डायरेक्ट देते हैं, ध्यान रखिए न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट देते हैं कोई भी परिपथ। फेज जो है उसको देने के लिए ध्यान रखिए एक स्विच की जरूरत पड़ती है, यानी इसको जब हम फेज देंगे, मान के चलिए ये फेज दे दिया ऊपर की तरफ से, फेज इसको डायरेक्ट नहीं देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते फेज, इसमें स्विच लगा देते हैं, एक ऐसा स्विच, दो पॉइंट वाला एक स्विच लगाते हैं, दो पॉइंट वाला, जो दो पॉइंट वाला होता है ना वो कहलाता है वन वे स्विच, यानी एक जगह से किसी लैंप को यानी बल्ब को जलाने के लिए उसके लिए एक वन वे स्विच या फिर टू वे स्विच भी काम आ सकता है। टू वे स्विच भी लगा सकते हैं आप, या तो वन वे स्विच लगा लें या टू वे स्विच लगा सकते हैं। अगर एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना हो तो कितने स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए दो स्विच की जरूरत पड़ेगी, कौन से स्विच, टू वे स्विच, ध्यान रखिए। वन वे स्विच और टू वे स्विच में अंतर आपको पता होगा, यानी सिंगल पॉइंट वाला और डबल पॉइंट वाला, ये जो मैंने बताया है देखिए ये जो इस तरीके से पॉइंट होते हैं ऐसा, वो ध्यान रखिए ये टू वे स्विच है, ये तीन पॉइंट हो जिसमें, और जिसमें दो पॉइंट हो वो ध्यान रखिए वन वे स्विच है। एक जगह से कंट्रोल करना, वन वे स्विच से काम चल जाएगा मैंने बताया, दो जगह से कंट्रोल करना हो तो आप इसमें दो टू वे स्विच लगाएंगे। देखिए मैंने इसमें ये लैंप है, लैंप में मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, ये न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल है, यानी ये हमेशा डायरेक्ट देते हैं, फेस को हम स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने दो स्विच लगाए, इसको हम डायग्राम से भी समझाएंगे कि ये कैसे जीने पे काम करेगा। सबसे पहले यहां समझ लें, जब भी हम इसको चालू करेंगे, मान के चलिए देखिए अभी हमने, अगर मान के चलिए हम इसको चालू करते हैं तो ये यहां से करंट यहां आएगा, यहां रुक जाएगा, यहां नहीं जा पाएगा, यानी बल्ब बंद है और कोई तरीका है नहीं। मान के चलिए हमें यहां से, ये दो जगह है, एक जगह है ये दूसरी जगह है, ऐसा मान लीजिए ये ऊपर वाली जगह है और ये नीचे वाली जगह है। ठीक है, तो ऊपर से जैसे ही हम इसको स्विच को चालू करेंगे, अभी बंद है, चालू करेंगे मतलब इसकी कनेक्टिविटी यहां हो जाएगी, तो करंट यहां से आएगा, यहां फ्लो होता हुआ ऐसे 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 जाएगा और ये लैंप जल जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और जैसे ही इसको पार कर देंगे, यहां मान के चलिए सीढ़ियां होंगी आपकी ऐसे, तो सीढ़ियों को पार करके ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो वहां से दूसरा स्विच को क्या करेगा, ऑफ कर देगा, यानी करंट फिर यहां से यहां तक यहां हो जाएगा, फिर ये बल्ब जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर मान के चलिए ऊपर से कोई आ रहा है इस स्विच को ऑन करेगा, यहां पे कर देगा तो ये बल्ब क्या, जलना बिल्कुल शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको फेज मिलने लगेगा, फेज की पासिंग होगी यानी ये बल्ब जलने लगेगा, और फिर जैसे ही वो नीचे आएगा तो इसको बंद करके यहां ऐसे कर देगा तो ये फेज फिर से कट जाएगा, यानी ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब इसको हम सीढ़ियों पर समझे, मान के चलिए आप यहां से आ रहे हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ये आपको
आपने उचक के इस स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले इससे पहले ये समझ ले भाई, ये बल्ब लगा है, मैंने बल्ब लगा दिया है एक एलईडी वाला, इसको न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया। देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ से आया है, लूपिंग लूप करके गया है ऊपर, यानी पास हुआ है, ये क्रॉस नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब है जॉइंट नहीं है, ये लूप बना देते हैं ऐसा जिससे ये लगता है कि वो उसको पार करके अलग से गया है, उससे जॉइंट होके नहीं गया है। तो ये न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, न्यूट्रल हमेशा हम डायरेक्ट देते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं ऐसा बना दूँ, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट मिलता। फेस को मैंने देखिए दो स्विच से जोड़ा है, क्योंकि हम दो जगह से कंट्रोल करेंगे, एक ऊपर से जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे और एक हम नीचे से कंट्रोल करेंगे। तो एक जगह ये मान लीजिए और एक जगह आप ये मान लीजिए, मान के चलिए आपको यहां से आ रहा है, सबसे पहले ऊपर से आए, देखिए अभी जो बल्ब है वो बंद है, क्योंकि यहां से देखिए फेस जो आ रहा है ना वो स्विच इस यहां पे कनेक्टेड है, यानी करंट फ्लो यहां से होगा, यहां से होगा, यहां पे जाएगा, बल्ब में जाएगा, लेकिन यहां करंट की कनेक्टिविटी नहीं है, यानी पॉजिटिव फेस नहीं मिल रहा है, यहां कटा हुआ है, यानी एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से नहीं आ रहा, यानी बल्ब नहीं चलेगा, अभी बंद है बल्ब, या यहां से आएगा कोई, यहां इसको चालू अभी चालू नहीं किया है, यहां से फेज आया ऐसा, यहां कटा हुआ है, यानी अभी बंद है बल्ब। अब मान के चलिए आप नीचे से आते हैं, आपको नीचे से आना है, नीचे से आप आए, आपने स्विच ऑन किया, यानी ये जो यहां पे जुड़ा था जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये यहां पे यहां जोड़ दिया, यानी ऊपर की तरफ जुड़ा था लेकिन ऊपर से कनेक्टिविटी कट के नीचे की तरफ स्विच ऑन कर दिया, यानी स्विच ऑन जैसे किया तो फेज आया सीधा और ये बल्ब के अंदर चला गया, यानी बल्ब जल गया। अब आप यहां से एक एक स्टेप टक 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 करके ऊपर आए, यहां आए और आपने ये क्या किया, इसको इसको चटका दिया, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिए इसको बंद कर दिया, ये अपोजिट होता है। अब आप ये मत समझना कि हमेशा नीचे की तरफ ऑन है या ऊपर की तरफ बंद होगा, ये उल्टा होगा, अगर एक तरफ नीचे हो रहा तो एक तरफ ऊपर होगा। तो यहां से तुमने इस स्विच को दबाया तो जैसे ये कनेक्टिविटी थी ये यहां से कटके यहां जुड़ गई, यहां से कटके यहां जुड़ गई, यानी यहां से फेज आया तो था लेकिन यहां पूरा परिपथ नहीं हुआ, फेज यहां से आया यहां गया लेकिन ये पूरा परिपथ नहीं है जहां से फेज आना था, समझे बात को कि नहीं, यानी बल्ब जलना क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम दो जगह से किसी एक लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको दो टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी, दो टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और एक जगह से कंट्रोल करना है तो एक वन वे स्विच, अगर तीन जगह से कंट्रोल करना हो तो ध्यान रखिए कितनी भी जगह से कंट्रोल करना हो, कितनी भी जगह से, दो टू वे स्विच तो हमेशा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, दो टू वे स्विच दो जगह से कंट्रोल करेगा, अगर तीन जगह से करना हो तो एक इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, इसमें चार पॉइंट होते हैं, ऐसे लिखिए ध्यान से लिखिए, इस तरीके से चार पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे मान के चलिए अभी जो है लैंप बंद है, देखिए यहां से फेज आया यहां रुक गया, यहां से फेज आएगा यहां रुक जाएगा, यानी लैंप में नहीं जाएगा। अगर मान के चलिए आपको इस लैंप को ऑन करना है, इस लैंप को ऑन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से आए तो ये स्विच ऑन करेंगे हम, तो देखिए ये फेज आया यहां से गया, इसको ऐसे रखिए ऐसे, अब ये चालू की स्थिति में, ध्यान रखिए तीन जगह से फेज आएगा ऐसे, आप यहां से ये ऑन, अभी क्या है एक जगह से बंद करना पड़ेगा, पहले एक परिपथ सेट कर देते हैं, अभी ये बंद है, ध्यान रखिए आप जैसे यहां से आएंगे इसकी कनेक्टिविटी बंद है, चालू करने के लिए आपने बटन चटकाया, यानी ये यहां से कनेक्ट था यहां हो गया, अब यहां से फेज आया ऐसे ऐसे, देखिए ये पूरा परिपथ हो गया, यानी बल्ब जल जाएगा। आप फिर इधर आए दूसरी जगह पे, इसको चटका दिया, यानी इसको यहां से ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया तो देखिए फेज आया इधर रुक गया, यानी करंट अब नहीं जा रहा, बंद हो गया। यहां आएंगे इसको चटकाएंगे तो ये कनेक्टिविटी यहां से यहां हो जाएगी, यानी ये परिपथ यहां से यहां और यहां से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑन हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीन जगह से लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए ये बात। अब आपको करना क्या है, जैसे चार जगह से कंट्रोल करना है तो दो इंटरमीडिएट स्विच लगेंगे, दो लूप बनेंगे ऐसे, ठीक है ना। तीन जगह से कंट्रोल करने के लिए दो टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट, चार जगह से दो टू वे स्विच दो इंटरमीडिएट, पांच जगह से दो टू वे स्विच और तीन इंटरमीडिएट, यानी हमेशा ध्यान रखें कि दो टू वे स्विच लगेंगे दो जगह से कंट्रोल करने के लिए, जैसे तीन आया तो एक इंटरमीडिएट स्विच बढ़ जाएगा, चार आया दो इंटरमीडिएट स्विच बढ़ जाएंगे, पांच आया तीन इंटरमीडिएट स्विच बढ़ जाएंगे,
छह आया तो दो इंटर दो टू वे स्विच और चार इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखें, इनसे आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लें कि एक लैंप को पांच जगह से कंट्रोल करना है तो कौन से स्विच और कितनी जरूरत पड़ेगी, तो पांच जगह से कंट्रोल करना है तो दो तो टू वे स्विच हमेशा लगेंगे और बाकी जो बचेंगे वो इंटरमीडिएट स्विच। सिंगल भी पूछ सकते हैं, दोनों एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, और इंतजार करें अगले वीडियो का। धन्यवाद।